किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले निरसा में चक्का जाम। किसान आंदोलन के 73वें दिन में पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 3 घंटे तक चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें झारखंड धनबाद निरसा में भी इसका असर देखने को मिला। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले निरसा चौक पर निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया एवं चक्का जाम किया गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। श्री चटर्जी ने बताया कि केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस ले। आज हमारे देश में अन्नदाता पिछले 73 दिनों से अपनी मांगों को लेकर इस कपती ठंड में खुले आसमान के नीचे अपनी मांग रहे हैं, पर केंद्र सरकार के किसान संगठनों का कई दौर की बातें भी चली है जो कि बेनतीजा निकला। सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की मांग अविलंब मानी जाए एवं किसानों के चल रहे इस आंदोलन को जल्द से जल्द समाप्त कराई जाए। क्या कहेंगे आज दिल्ली में जो पिछले 2 महीने से ऊपर से किसान आंदोलन चल रही है, आज इतने दिन बीतने के बाद भी लाखों आदमी वहां पर बैठे हुए हैं सड़कों पर, और जिस तरीके से कील ठोकी गई है दिल्ली के रास्तों में, और ये इंडिया पाक बॉर्डर के तरह लोग उसके विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में, किसान हमारे देश के रीढ़ हैं, उनकी मांगों को हम समझते हैं जो उनकी मांग जायज है, और उनकी मांगों को देखते हुए इमीडिएटली ऐसे कानूनों को वापस लेनी चाहिए सरकार को, और फिर सरकार किसानों के साथ बैठकर